सो हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, मेरा वॉइस ओवर करने का कोई मन नहीं था, बट फाइनली ये मेरी 80 वीडियोस है, मतलब 80 नंबर की ये वीडियोस होने वाली यूट्यूब पे, और 73 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। गाइस, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार देखो, फ्री फायर में कुछ कंटेंट मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बनाऊँ, हाइलाइट्स वगैरह जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ऊपर से भाई व्यूज़ कुछ आते नहीं है। 100-200 व्यूज़ तो आते हैं उनका, तो मुझे कोई सीन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। चलो किसी किसी पे 100 आते हैं, किसी किसी पे 3-4 आते हैं, उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मेहनत करता रहूँगा, क्योंकि मैं बहुत पहले का प्लेयर हूँ, बहुत पहले यू थिंक से जब फ्री फायर स्टार्ट हुआ है। मैं इसका कोई वो नहीं करने वाला हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार, मतलब क्या है फ्री फायर में, कुछ कॉन्टेंट समझ में नहीं आ रहा है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स परेशान है व्यूज़ को लेकर। मैं क्लासी भाई का स्ट्रीम वगैरह देखता हूँ, वो भी कहते हैं भाई कि व्यूज़ नहीं आ रहा ये वो सब। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है गाइस कि व्यूज़ की प्रॉब्लम है? और भाई, अगर कोई कंटेंट आपके दिमाग में हो जो आप मेरे से चाहते हो, मैं क्या करूँ, मोबाइल पे तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा। कोई और गेम्स खेला तो एक पर है फ्री फायर है, एक BGMI है, दोनों के अलावा कोई और गेम समझ में नहीं आती, क्योंकि ग्राफिक लो है, आपको पसंद नहीं आएगा, पर दोनों में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है। और गाइस, बात करें फ्री फायर की ना, तो यहाँ पे कोई भी देखो यार, मतलब फ्री फायर इतनी तुच्छी गेम बन चुकी है, ऐसे लोगों ने इसे बना दिया है कि इसका पूरा कंटेंट लेवल जो है ना, वो पूरा जीरो पे आ गया, मतलब माइनस में चला गया यार। तुम किसी भी चूतिया ऐसे यूट्यूबर को देख लो ना, जो कि मतलब फैक्ट बताता हो या फिर कुछ भी करता हो, उसके नीचे अगर गेमर है तो जान जाओ कि वो फ्री फायर का यूट्यूबर है, क्योंकि ऐसी तुच्छी हरकतें यही कर सकते हैं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। इनके वजह से पूरी गेम ख़राब हुई पड़ी है, और हम लोग जो इतने प्लेयर भी हैं, थोड़ा बहुत ट्राई भी करते हैं, तो कुछ हो नहीं पा रहा है। तो यार, मेरे कहने का मोटिव ये है कि मुझे बस जानना है भाई कि क्या करें, क्या करूं मैं, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। मैंने बहुत वीडियो पोस्ट कर ली, 80 वीडियोस पोस्ट कर ली है मैंने, 1000 व्यूज़ था हर वीडियो का वो रखा टारगेट, ठीक है, कि अगर इतने में कुछ नहीं हुआ तो भाई कर दूंगा, गिव अप कर दूंगा। बट मुझे तो कुछ तो सजेशन तो आप लोगों से चाहिए ही होंगे ना, कि मतलब क्या करना चाहिए यार, मतलब ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ होगा नहीं, फ्री फायर कम्युनिटी को सही किया नहीं जा सकता है। काइल और भाई थे, सही करते करते उनको ही सही कर दिया लोगों ने। और दूसरी बात की बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि मतलब, अब देखोगे फ्री फायर एक मोबाइल गेम है, 90% यूट्यूबर जो हैं इसके PC वाले हैं, अब ऑडियंस को रेड नंबर की लत लगी हुई है। पहले क्या था कि लोगों को हाइलाइट्स देखना पसंद होती थी, पता है, ये अगर हम खेल रहे हैं तो जो गेम के बेस्ट क्लिप्स होते हैं उनको ऐड करी। क्लासी भाई जैसे यूट्यूबर आए, क्लासी भाई आ गए और भी बहुत बढ़िया बढ़िया यूट्यूबर आ गए, TS रैंक को ही हाईलाइट बना देते हैं भाई, ये हर गेम में 3-3 किल 4 किल मारते हैं, 5 भाई बंदों को जब वो चीज़ें स्ट्रीम पे मिल जाए तो हमारे वीडियोस क्यों देखेंगे। बात हम मोबाइल प्लेयर्स की, तो यार हम क्या ही कर लेंगे भाई, PC पे जो फ्रेम रेट होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है, 90 फ्रेम पे वो खेलते हैं, हम खेलते हैं 60 पे, तो दिक्कत ये भाई जो 30 फ्रेम है ना, मतलब जितना फ्रेम हाई होगा गेम उतनी स्लो होगी आपके PC में, समझ रहे हो, मतलब बंदों की मोमेंट उतनी स्लो दिखाई देगी। तो आपको हेडशॉट्स मारना बहुत ईजी है, आप भी PC पे हेडशॉट मार दोगे अगर थोड़ा भी, अगर आप वो टैलेंट है, जुनून है तो, ठीक है। बट यही है कि यार मोबाइल पे क्या ही, मतलब समझ में नहीं आता मुझे कंटेंट के लिए। मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट मैं कुछ नया भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं कुछ और गेम्स भी लाने वाला हूँ। मेरे कहने का मतलब, मैं भी PC लेने वाला हूँ यार, मोबाइल पे कुछ होने वाला वैसे भी नहीं है, यूट्यूब भी बहुत आगे निकल चुका है। गाइस यार, तब तक थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, मतलब मैं देखता हूँ तुम वीडियोज़ को देखते, तो जैसे कि अगर 10 व्यूज़ आते हैं, 100 व्यूज़ भी आते हैं, 30-35 सेकंड के बाद उसको बंद कर देते हैं, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं भाई, जिसे तुम देखो, ठीक। अभी मैंने रिसेंटली अमित भाई की वीडियो देखी, उन्होंने बोला कि भाई मैं वीडियो बनाता हूं, वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते हैं, मैं रिसेंटली बहुत मेहनत करता हूं, और आपको पता नहीं है कि एक वीडियो एडिट करने में कितना टाइम लगता है, कितना उसको बनाने में लगता है, भाई पता है यार, सब पता है। इसका जिम्मेदार तो यही लोग है, कॉन्टेंट क्रिएशन को ख़राब करने में 90% बड़े यूट्यूबर का ही है, इन्होंने स्ट्रीम पर फेक गिव अवे किए और ऑडियंस का चूतिया बनाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।